राजस्थान के चुरू में एक दरिंदे ने शादी का झांसा देकर दलित युवती को 6 साल तक दुष्कर्म का शिकार बनाया और जब युवती प्रेग्नेंट हो गई तो उसका जबरन अबॉर्शन कराकर आरोपी ने दूसरी युवती से शादी कर ली और चुरू के महिला थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है। चुरू में दलित युवती पर जुल्म की इंतहा, शादी का झांसा देकर 6 साल तक दुष्कर्म। चुरू में एक दरिंदे ने पहले एक दलित युवती से उसके घर में घुसकर जबरन रेप किया। जब युवती ने इसकी शिकायत पुलिस से करने की बात कही तो उसे शादी का झांसा देकर उससे 6 साल तक दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता जब भी शादी की बात करती तो आरोपी दरिंदा सेटल होने की बात कहकर चलता रहता। दलित युवती जब प्रेग्नेंट हो गई तो दरिंदे ने उसका जबरन अबॉर्शन करा दिया और जब युवती ने शादी की बात याद दिलाई तो आरोपी ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। 6 साल हो गया भिक्षागर में जिंदगी गुजारती, 6 साल हो गया। अब वो 1 लाख रुपया में लुगाई लेके आ गया, नाको वो लुगाई लेके आ गया बटाऊ दे। अब वो लुगाई लिया बाद में 5-7 दिन मेरे घर को नहीं, मैं भी तो घर गई। मैं क्या कौन जगह मैं लुगाई है, अगर मैं तुम्हें लुगाई दिया मोल तो खटे जा मन मत को लुगनी। आरोपी दीपक सैनी के खिलाफ पीड़िता ने मामला दर्ज कराया। युवती का आरोप है कि आरोपी युवक ने दूसरी युवती से शादी कर ली है। पीड़िता की फरियाद पर आईपीसी की धारा 376 और एससी एक्ट में धारा 3 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। दीपक सैनी ने उसके साथ पिछले 6 साल से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया है, उसकी एफआईआर 376 आईपीसी में दर्ज हो गई है। पीड़िता 80 वर्ष से है, इसलिए धारा 3 SC/ST एक्ट भी उसमें दर्ज जोड़ी गई है। उसका अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा है। पीड़िता की एफआईआर दर्ज हो गई है, अग्रिम कार्रवाई अभी घटनास्थल का नक्शा मौका मेडिकल को कार्रवाई भी करवाई जाए। दलित युवती पर जुर्म ढाने वाला शख्स कलेक्ट्रेट परिसर के सामने ही दुकान चलाता है। अब देखना यह है कि पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस कब तक आरोपी को गिरफ्तार करती है। मनोज शर्मा, इंडिया 24/7, चुरू।